बीजेपी को ही करना चाहेंगे लोग तो, और यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। हम बीजेपी को जिताएंगे। हम बेरोजगार थे पहले, कुछ भी काम नहीं था हमारे साथ में। जब से मोदी जी ने यहाँ पे उद्घाटन करा, जब से कि हम दुकान लगा के बैठे और मोहन यादव ने हमारी दुकान लगवाई है। पहले हमारे को कोई बैठने नहीं देता था यहाँ पे। बेरोजगार थे सर, तो हमको रोजगार मिल गया और हमको थोड़ा काम धंधा मिल गया। और क्या, मोदी जी जल्दी से आ जाए और मोदी जी की सरकार बन जाए और हमको यहीं बैठे रहने दे। उनने कुछ रोजगार भी नहीं दिया ना, हमारे को नहीं लगे कि कांग्रेस आएगी और हमको कुछ लगाने देगी। हमारे को तो बीजेपी चाहिए, का 1 लाख रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ बीजेपी और मोदी जी चाहिए हमको तो। बीजेपी आएगी, उनने काम ही इतना करा है, छोटी मोटी बात नहीं है। उनने बहुत अच्छे काम करे, बड़े बड़े काम करे। बीजेपी रहेगा वहाँ पे। लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही, बहुत काम कर रहे हैं वो लड़कियों, सुकन्या ये सब कर रहे हैं लड़कियों के लिए। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, मोदी जी के साथ है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है सर। कहाँ से हैं? यहीं से हूँ, जयसिंहपुरे से। आप किसको जिता रहे हैं? हम बीजेपी को जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? हमारे लिए कितना बड़ा काम करा उनने यहाँ के लिए। हम बेरोजगार थे पहले, कुछ भी काम नहीं था हमारे साथ में। अच्छा। जब से मोदी जी ने यहाँ पे उद्घाटन करा, जब से कि हम दुकान लगा के बैठे और मोहन यादव ने हमारी दुकान लगवाई है। हाँ, उनने लगवाई है। हाँ, तो हम उनके घर जाके मिल लिए। पहले उनने हमारे को बैठाया, पहले हमारे को कोई बैठने नहीं देता था यहाँ पे। हाँ, तो उनने बैठाया हमारा। पहले कुछ भी रोजगार नहीं था, दोने बनाते थे तो लाइट की बहुत परेशानी थी पहले। अच्छा। तो जब से हमने ये काम छोड़ा ना, ये काम हमारा उनने बैठाया हमको, मोहन यादव जी ने। यात्री भी आ रहे हैं अब? अभी तो थोड़ी कम, थोड़ा ठंडा चल रहा है अभी तो। कॉरिडोर बनने के बाद नहीं, बहुत अच्छा चला कॉरिडोर बनने के बाद में। मोदी जी ने उद्घाटन करा था, जिसके बाद में बहुत धंधा चला था हमारा। हाँ, बहुत चला। हाँ, सब ये हम पूरा परिवार के ही हैं यहाँ। ये सब अब हमारा ही था यहाँ पे पहले। हाँ, महिलाएं अधिक संख्या में। हाँ, महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको ये रोजगार की दृष्टि से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पहले नहीं था, लेकिन महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर ये लगाने के लिए जो है इनको जगह दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है जी। अनीता जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम, मेरा पियर तो जावर है, सीहोर जिला से हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और ससुराल है उज्जैन। तो यहाँ ये कब से आप लगा रहे हैं ये दुकान? हमको तो एक साल हो गया। हाँ, महाकाल लोक कॉरिडोर बनने। हाँ, जब से ही लगा रहे हैं। अच्छा, ये कॉरिडोर बनने के बाद से क्या फर्क आपने देखा है यहाँ? हाँ, यहाँ पे हमको, हम बेरोजगार थे सर, तो हमको रोजगार मिल गया और हमको थोड़ा काम धंधा मिल गया। और क्या, तो काम धंधा भी ठीक चल रहा है, लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं पर कम आ रहे हैं अभी तो, कम आ रहे। पहले जब खुला था ना, जब बहुत सारे लोग आते थे। चलता रहता है मतलब, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। सावन के महीने में ज्यादा एकदम बढ़ जाता होगा? हाँ, सावन में ना हमारे को हटा दिया था, बैठने नहीं देते थे, तो हम बहुत भीड़ रहती ना, तो हमको हटा देते हैं। तो मेरा कहने यह है कि मोदी जी जल्दी से आ जाए और मोदी जी की सरकार बन जाए और हमको यहीं बैठे रहने दे। हाँ, बस हमारी तो यही इच्छा है सर। कांग्रेस आ गई तो किस चीज़ का डर है? अरे वो उनने कुछ रोजगार भी नहीं दिया ना, हमारे को नहीं लगे कि कांग्रेस आएगी और हमको कुछ लगाने देगी। 1-1 लाख खाते में डाल दूंगा झटा झट। नहीं, हमारे को तो नहीं चाहिए, हमारे को तो बीजेपी चाहिए। का 1 लाख रुपया भी नहीं चाहिए, सिर्फ बीजेपी और मोदी जी चाहिए हमको तो। हाँ, मोहन यादव। मोहन यादव? हाँ, मोहन यादव जी का बहुत बोल वाला है। उनने ही तो बिठाया, हम उनके पास गए थे मदद मांगने के लिए। हमको बार बार नगर निगम आती थी और टीम आती थी और हमको हटा देती थी। तो जब विधायक? हाँ, विधायक थे जब, उनने ही बिठाया। मुख्यमंत्री? हाँ, तो अब उनसे और हमारी ये है इच्छा, हाँ अपेक्षाएं हैं कि हमारे को यहीं पे बैठे रहने दे, थोड़ी जगह दे दे, उनके शरण में महाकाल के चरणों में बैठे रहेंगे तो हमको अच्छा रोजगार मिलेगा, हमारे बाल बच्चों का पोषण कर लेंगे। हमारी जमीन थी तो वो तो चली गई, कॉरिडोर में जमीन पार्किंग में चली गई सर, अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ हाँ, इसी में हमारे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और इसी में पालन पोषण करते हैं हम, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। धारणा? धारणा जी, क्या है चुनावी माहौल? बीजेपी का ही है, वोट को मतलब बीजेपी को ही करना चाहेंगे लोग तो, और यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। तो कुछ कारण, कुछ काम आपको दिखे मोदी सरकार में? बिल्कुल, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। बाकी ये है कि देखिए, महंगाई तो वही के वही है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर ये कहा जाए कि आने वाली जो भी सरकार रहे, जिसकी भी सरकार रहे, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, गुड एजुकेशन हो, जो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वही रहे एक्चुअल में, मतलब उसके लिए सरकार काम करे।
हाँ सनातन अपनी जगह ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, प्रसार करना, प्रचार करना, सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर फोकस ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी इसको हेल्थ की आपने बात की, जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें अब जैसे और एक्सटेंशन की बात इन्होंने की है, 70+ के लिए लाएंगे जैसे अभी जो बन रहे हैं, तो उसको कैसे देखते? तो देखिए सब फैसिलिटीज़ जो भी मतलब सरकार प्रोवाइड कर रही है अपने साइड से, वो ये कि ऑल ओवर इंडिया में और जो भी स्टेट्स हैं सब में प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोगों तक वो फैसिलिटीज़ पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो लेकिन सरकार को उन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल में जो सरकार मतलब प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी वो हर जनता तक पहुँच भी रही है या नहीं, उस पर भी मतलब ध्यान दिया जाए। पॉइंट आपने रखा कि जो योजना है उसका कितना नीचे, बाकी भी जैसे जो नौकरशाही वो कितना नीचे तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ही मतलब अपना कमीशन ले लेते हैं और करप्शन करते हैं और फिर इसी टाइप की चीज़ें धांधलियाँ होती हैं और बस उन चीज़ों पर आगे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मतलब सरकार ने अगर कोई स्कीम निकाली है तो वो असल में जनता के लिए निकाली, तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जो बीच में लोग खा जाते हैं या फिर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो ना हो। और बेटर यही होगा कि मतलब जो भी गवर्नमेंट आए वो आने वाले समय के लिए सारी मतलब जितनी भी जनता है, जितने भी स्टेट हैं, उनके लिए अच्छी हो तो बेटर रहेगा। एक आखिरी कमेंट, अभी जैसे आपने महंगाई की बात की, एक बहुत आजकल जो है वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ला दो, देखो एक झटके में देश से गरीबी हम खत्म कर देंगे, 1 लाख रुपया जटाजट डालते रहेंगे लोगों के अकाउंट में। नहीं नहीं, तो लोगों के अकाउंट में अगर 1 लाख डाल देंगे तो लोग मेहनत क्या करेंगे फिर, मतलब बेरोजगारी तो आप ही दे रहे हो फिर एक तरीके से, पैसे डाल के डायरेक्टली आप मतलब जनता को और निकम्मा बना रहे हो कि आप कुछ कमा ही नहीं सकते, ऐसे ही बना रहे हो ना कि मतलब आपको काम करना नहीं, आपको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो इससे तो और व्यक्ति मेहनत करता होगा तो और नहीं करेगा, ठीक है। और मेहनत के बिना तो पैसा कहीं से भी आना, मतलब 1 रुपया कमाना भी बेकार है मेहनत के बिना, क्योंकि मेहनत हो तो उसको फिर खर्च करने में भी वैसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो यही रहेगा कि देखिए जो भी गवर्नमेंट आए अच्छी रहे, कहने का ये मतलब है जनता के लिए अच्छा करे, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है, तो जनता यही एक्सपेक्ट करेगी कि जो भी सरकार करे उनके हित के लिए वो अच्छा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये बाइट हमें दे देना, ये कल डलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रार्थना है। अच्छा, आपकी भी यही दुकान है? हाँ, ये है एक ये वाली आप? हाँ, ये वाली लगाते हैं सर। अच्छा, तो ये कब से दुकान यहाँ लगाई? एक साल से कॉरिडोर बनने के बाद। अच्छा, तो कॉरिडोर बनने के बाद और पहले क्या यहाँ यात्रियों में फर्क पड़ा, ज्यादा यात्री आए? बना था जब बहुत मतलब अच्छा था, और अभी है ना पब्लिक नहीं है, अभी तो ऐसा है कि अपन को मिल जाए अपनी दाल रोटी वही बहुत है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का भी। हाँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा देखो, वो तो अब सावन चलेगा, जब भले ही थोड़ा बहुत आ जाएगा ऐसा आएगा, और उसके बाद भी हमको कोई जब सावन लगेगा जब यहाँ बैठने भी नहीं देंगे, हमको खाने कमाने नहीं देंगे, जैसे अभी तो आउट सीजन है तो हम बैठे हैं। तो जैसे इन्होंने बताया तो तब मोहन जी से अपेक्षाएं रहेंगी, तब तो विधायक थे अब तो मुख्यमंत्री, उन्होंने तो हमको ये जगह मतलब बोला कि इनको बैठने दो, कहाँ जाएंगी ये महिला, उनकी जमीन वगैरह सब ले ली, रोजगार नहीं, अधिकतर महिलाएं ही हैं, तो ये हमारी जमीन थी पार्किंग में, ये महाकाल सहमति में चले गई। अच्छा, फिर अब रोजगार कहाँ है हमारे पास, तो यहाँ पर, हाँ इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं दुकान लगाने के बाद। वैसे चुनावी क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार बीजेपी? बीजेपी आएगी क्योंकि उनने काम ही इतना करा है, ऐसा थोड़ी है कि छोटी मोटी बात नहीं है, उनने बहुत अच्छे काम करे, बड़े बड़े काम करे। तो कांग्रेस तो कह रही है 8,500 अकाउंट में डालेंगे, 1-1 लाख अकाउंट में। 1 लाख से क्या है, हमको तो रोजगार चाहिए, 1 लाख क्या करेंगे, हमको 1 लाख करनी चाहिए, हमको तो रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए वो मोदी सरकार, हाँ जो मोदी सरकार देगी। मोदी जी बहुत अच्छा सोचते हैं, सबका सोचते हैं, 1 लाख रुपए को क्या करेंगे हम, हमारे को नहीं चाहिए पैसे, हम तो कमल के फूल में ही वोट डालेंगे, अभी आएंगे ना जब। आपका क्या नाम हुआ? गीतांजलि पटेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये सागर से ही है। सागर से जी? बड़ोदरा से। आए बड़ोदरा से हम लोग, वैसे रहने वाले सागर। हाँ, प्रॉपर सागर के। तो अभी अभी वडोदरा में आपका वोट कहाँ डलेगा? वडोदरा 7 को डलेगा, बड़ोदरा में डलेगा। हाँ जी। अच्छा, तो वडोदरा का क्या है माहौल? माहौल अच्छा है वहाँ पे, मतलब वोट के लिए सब सक्रिय रहते हैं, बीजेपी रहेगा वहाँ पे जी। आज से 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का, तो बनारस के साथ साथ वडोदरा से भी लड़े थे,
बड़ोदरा से ही लड़े थे। हाँ हाँ, वो मुख्यमंत्री थे ना वहाँ के पहले। मुख्यमंत्री तो पहले ये सांसद वाला चुनाव। हाँ हाँ, जहाँ बोलवाला है वहाँ दोनों जगह से। अच्छा, महिला होने के नाते कैसे देखते हैं मोदी सरकार का काम? अच्छा है सब, मतलब लड़कियों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, बहुत काम कर रहे हैं वो लड़कियों, सुकन्या ये सब कर रहे हैं लड़कियों के लिए। अच्छा, आप सागर से हैं, आपको बता दूं पहली बार बीजेपी ने सागर से किसी महिला प्रत्याशी को उतारा है, सरपंच रही हैं वो, उनको इस बार मैदान में उतारा गया है। लता वानखेड़े, सुना है आपने नाम? मैम आपका क्या नाम है? ममता कुशवा। साथ में है आप? साथ में। अच्छा, अब महिलाओं की अगर बात करूं तो अभी हाल ही में इस सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून है उसको पारित किया। 30 सालों से तैयारी थी, कोई कर नहीं पाया। इस सरकार में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया, कैसे दिया? क्या 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। मोदी जी का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आ रहे हैं इस बार? नहीं आ रहे? आएंगे मोदी जी। आएंगे। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को? मोदी जी ने बहुत काम किए हैं पूरे देश के लिए, भारत के लिए। मैम आपका क्या नाम है? गीतेश्वरी पटेल। आप वडोदरा से? सागर से। अच्छा, सागर से। अच्छा, महिला को टिकट दिया गया इस बार, आज तक बीजेपी ने कभी वहां से महिला को टिकट नहीं दिया था, तो कैसे देखते हैं वहाँ पर है महिलाओं की आवाज उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाएंगे। और बाकी महिलाओं के लिए क्या लगा आपको काम इस सरकार में? चलिए कोई बात। चलिए, आपका क्या नाम है? सर पार्थी। कहाँ से हैं? जबलपुर से। जबलपुर में तो वोटिंग हो गई, क्या लगा माहौल आपको चुनाव? बढ़िया था सर। मोदी जी भी आए थे जबलपुर? जी आए थे। आए थे वो रोड शो करने आए थे? हाँ आए थे। तो क्या है माहौल आपको, क्या लगा? बढ़िया है, अभी तो ठीक है। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी जी आई हूँ। आना ही चाहिए, लेडीज को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, विश्वास है। विश्वास है यानी कि जो? जी जी बिल्कुल विश्वास है। इस चुनाव में किसके साथ हैं? कमल के साथ। कमल के साथ हैं? मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। क्या कारण, क्यों है मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ है बस।